अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बारिश में आप देख रहे हैं कि मैं एक फार्मेसी के बाहर खड़ा हूँ। फार्मा सेव जो है ये फार्मेसी का नाम है, सिटी है एबट्सफोर्ड ब्रिटिश कोलंबिया का, और हम आपको अंदर लेके जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कनाडा में जो है वो फार्मेसी कैसी होती है। ये एक नॉर्मल फार्मेसी है, यानी फार्मेसी के साथ आप जानते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा कि पाकिस्तान में भी कॉन्सेप्ट है, कनाडा में भी वैसी होती हैं फार्मेसीज। और हमारे दोस्त हैं, उनसे भी हम आपको मिलाते हैं और फार्मेसी जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है और किस तरह से काम होता है आज आपके साथ हम शेयर करते हैं। हमारे साथ आइए जी। इस वक्त फार्मा सेफ जो है फार्मेसी, उसके अंदर मैं दाखिल हो रहा हूँ। ये कनाडा का शहर है एबट्सफोर्ड, और ये एंट्रेंस है जी फार्मेसी की। ये आप देख सकते हैं कि जो ओटीसी प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे रखे जाते हैं। मेरे ख्याल में हमें जो फार्मासिस्ट है उन्हीं से पूछना चाहिए ताकि वो हमें बताएंगे। और हमारे दोस्त जो हैं जी भाई हैं, अली भाई अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। और आप पाकिस्तान में भी माशाल्लाह फार्मासिस्ट रहे हैं और बल्कि अभी भी हैं और कैनेडियन फार्मासिस्ट हैं, तो हमें आप अपनी फार्मेसी के बारे में बताइए। पाकिस्तान में जो लोग ये देखेंगे वीडियो, कि कैनेडा में जो फार्मेसी है वो कैसी है और किस तरह से यहाँ मेडिसिन जो हैं उनके बिजनेस को रेगुलेट किया जाता है। फार्मेसी यहाँ पे जी काम ही कर रही है, यहाँ पे काम का तरीका जो है वो डिफरेंट है। ओके, तो फिर आपने देखा होगा फ्रंट पे है, फ्रंट पे कुछ मेडिकेशन है हमारे पास पड़ी हुई, तो उसमें दो किस्म के स्केड्यूल्स आते हैं। एक ओवर द काउंटर मेडिकेशन हैं जिसमें सर दर्द की, डायरिया और फ्लू वगैरह की ऐसी मेडिकेशन आती हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं आपको वैसी मिल जाती हैं, और कुछ हर्बल मेडिकेशन हैं, कुछ होम हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, तो वो फ्रंट स्टोर पे हैं, यानी सेल्फ सिलेक्शन एरिया में हैं। और फर्दर उसमें एक कैटेगरी होती है, उसको हम कहते हैं स्केड्यूल थ्री मेडिकेशन, जो कि अवेलेबल होती हैं ओनली व्हेन द फार्मासिस्ट इज़ ऑन ड्यूटी। तो वो ये होता है कि आप कुछ लोग तो वॉलमार्ट और बाकी बड़ी फार्मेसियों ने तो फ्रंट पे रखी होती हैं और वो जब फार्मासिस्ट नहीं होता लॉक कर देते हैं, तो हमने यहाँ पे पीछे बैक साइड पे रखी होती हैं ये, तो उसमें ज़्यादातर आयरन के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ आई प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे काउंसलिंग होती है, जैसे आप निकोटीन पैचेस वगैरह हैं तो काउंसलिंग करनी होती है पेशेंट की, और हम उसकी फीस चार्ज नहीं करते, तो पेशेंट जो है वो सिर्फ उनका कॉस्ट प्लस टैक्स वो पे करते हैं। और बाकी जो एक्चुअल जिसको जो फार्मेसी हमारी वो उसमें प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है, और इनको हमने अल्फाबेटिकल लगाया हुआ है, जेनेरिक अल्फाबेटिकल, यानी इसमें ब्रांड भी हैं लेकिन ब्रांड जो भी हो हम इनको जेनेरिक के हिसाब से लगाते हैं अल्फाबेटिकली। तो तरीका ये होता है कि यहाँ पे सबसे पेशेंट यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रॉप ऑफ करते हैं, यहाँ पे हम पेशेंट को से इंफॉर्मेशन ले कर उसकी प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, उसको स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद आगे यहाँ पे टेक्नीशियन खड़ा हो या फार्मासिस्ट ही हो, अगर स्लो फार्मेसी है तो यहाँ पे मेडिकेशन बनाते हैं, मेडिकेशन पिक करके चेक करके उनका ड्रग इंटरेक्शन उसकी उससे पूछ लेते हैं, अगर कोई ओवर द काउंटर मेडिकेशन हैं वो ले रहे हैं उसके साथ या उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेडिकेशन हैं उनके साथ, उसका ड्रग इंटरेक्शन चेक करते हैं, फिर उसके मेडिकेशन को फाइनल चेक करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से पिकअप पॉइंट है, आपने देखा होगा ये पिकअप पॉइंट और काउंसलिंग और पेशेंट की यहाँ पे हम होती है करते हैं, और अगर कुछ ज़्यादा पेशेंट खड़े हों तो हमारा काउंसलिंग एरिया साथ ही बना हुआ, हम वहाँ चले जाते हैं पेशेंट की जो काउंसलिंग करते हैं। तो यहाँ पे कैश आउट है, तो पेशेंट्स यहाँ पे हम स्कैन करके पेमेंट करते हैं, और फिर यहाँ से जो है आखिरी पॉइंट होता है प्रिस्क्रिप्शन निकलने का। और यहाँ पे अली भी ये एंट्रेंस है, और कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है ये फार्मेसी एरिया में नहीं आ, नहीं यहाँ से अंदर कोई बाहर से पर्सन नहीं आ सकता, और जो बंदा यहाँ से जिसको हम जो ऑथराइज होता है या जो आता है तो उसको एक फॉर्म है, उसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी अंडरटेकिंग है, तो वो उसको साइन करना पड़ता है। तो उसका ये होता है कि क्योंकि यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है बहुत सारे लोगों को, तो अगर कोई बंदा अख्तर भाई आते हैं तो उनको हम पहले फॉर्म फिल अप कराएंगे कि ये फॉर्म फिल अप कर लें, इसको पढ़ लें, साइन कर लें, अगर आपका नाम आपकी नज़र किसी नाम पे पड़ी
इन्फॉर्मेशन किसी बंदे की, उसकी दवाई के नाम पे, उसकी दवाई पे पड़ी है, उसका कौन सी दवाई ले रही है, तो वो कॉन्फिडेंशियल होगी, आप बाहर उसको डिस्क्लोज नहीं कर नहीं सकते, बता नहीं सकते। करा सकते। और इवन के आपने देखा है नहीं है, तो हमारे किसी भाई की बेटी है, तो अच्छा जी, आप अपना भाई के साथ कर सकते हैं, अगर भाई खुद है तो वो अपनी बेटी की इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता आपसे, अगर ओके, वो उसकी माइनॉरिटी सही, उम्र जो उसकी उसमें माइनर नहीं है, वो तो ओके माइनर के ओके, ले सकते हैं, लेकिन अगर वो कोई बर्थ कंट्रोल पे या कोई मेडिकेशन जो ले रही है जो पर्सनल ओके, उसमें है तो वो है, तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो हम उनकी फाइल पे भी डाल देते हैं कि इसकी इन्फॉर्मेशन कहीं रिलीज ना करें, कुछ सीनियर्स लोग होते हैं जी, वो उनके लिए है कि ओके वो ओके, भी इन्फॉर्मेशन अपनी नहीं करना चाहते, तो वो तो बल्कबाज तो ऐसे कहते हैं जी कि मैं मरना बेहतर है इससे कि हमारी इन्फॉर्मेशन लीक की जाए किसी लोगों को, को पता चले। लोगों को पता लग जाए, ऐसे जी बेहतर है कि हम मरी जाए, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी होते हैं, जी तो सही, वो हम उनकी फाइल पे अलर्ट एक होता है वो लगा देते हैं, ओके जी तो ऐसी ये प्रैक्टिस है। सही, तो बाकी हमारा इंजेक्शन हम पे लगाते हैं, हम यहाँ पे करते हैं फ्लू इंजेक्शन हैं और बाकी ट्रैवल वैक्सीन हैं ओके। और और बाकी कोविड इंजेक्शन लगा रहे हैं हम लोग। आप लोगों के पास जो ब्रांड्स हैं वो भी आप अपने पास ब्रांड भी रखते हैं और जेनेरिक भी? ब्रांड भी होते, ब्रांड रखते नहीं है, मतलब ये है कि कुछ तो है कि जो सर ब्रांड अवेलेबल है जी, तो वो ब्रांड ही हम, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है, सही कुछ सही, हैं जो हमारे ब्रांड भी है और जेनेरिक भी है, जैसे नेक्सियम है आप जी देख ठीक रहे है हैं, सर। नेक्सियम का जेनेरिक भी अवेलेबल है जो कि चीपर है, तो उसका 3 to 4 times जो है प्राइस ज़्यादा है, ओके तो उसमें ये होता है कि उसमें 2 3 options होती हैं, असल में यहाँ पे तो इतना नहीं है लेकिन ओंटारियो में मैंने प्रैक्टिस किया है, वहाँ तो डॉक्टर लिखता है जी सही, उसको और वो प्रिंट नहीं कर सकता, वो हाथ से लिखना पड़ेगा नो सब्स, नो ओके, अच्छा सब्स्टिट्यूशन, तो क्योंकि वो हम उसके इंश्योरेंस को क्लेम जब करते हैं हाँ जी, और वो कॉलेज डॉक्टर की कॉलेज के रिकॉर्ड पे भी जाता है कि डॉक्टर ने नो सब लिखा है उस मेडिकेशन का, ओके तो उसकी वजह होगी कुछ जो लिखा है, सही तो अगर सही। डॉक्टर लिखता है वो कहता है मुझे वो चाहिए। जी अच्छा अली भाई, ये जो हमारे पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है फार्मासिस्टम में कि जी जी फार्मासिस्ट हैज द राइट टू सब्स्टिट्यूट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर, तो ये करेक्ट नहीं है? यहाँ पे यानी नहीं, यानी कैनेडा में कर अगर सकते हैं, डॉक्टर, अच्छा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो तो हम करते हैं बात नहीं के, लेकिन अगर वो लिख दे फिर नहीं कर सकते? वो लिखते तो नहीं, हम वो डॉक्यूमेंट करते हैं कि डॉक्टर ने लिखा है, ओके क्योंकि अगर हमारा ऑडिट होता है कि जी ठीक है, आपको जेनेरिक चीपर अवेलेबल ऑप्शन अवेलेबल है, आपने जी इसको 10 गुना ज़्यादा मेडिकेशन का बेची है, ओके अगर पेशेंट कहता है नहीं मुझे ये चाहिए ठीक ओके है, और वो डिफरेंस पे कर रहा है फिर भी हम उसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं जी कि सही, पेशेंट को चाहिए, और वो ओके कहता है मैंने ब्रांड यूज़ करना है, मैं सही अपने पले से मेरे इंश्योरेंस कवर करती है ठीक है, नहीं तो मैं अपने पास से पे करूंगा, तो दूसरा डॉक्टर कह सकता है। जी सही, तीसरी ऑप्शन ये होती है कि आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, बहुत सारे आजकल बैक ऑर्डर चल रही है मेडिकेशन यहाँ पे, तो आप उसमें ब्रांड करेंगे तो उसमें 2 सूरतें होती हैं, या तो एक कार्ड कंपनी देती है वो यूज़ कर सकते हैं, तो कार्ड नहीं है तो फिर पेशेंट को आप बता सकते हैं ये ऑप्शन आप हमारे पास है, हम इतना आपको मतलब अकोमोडेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप वेट कर लें या फिर कहीं और से पता और कर लें। यहाँ पे जो जेनेरिक है, जो कि ब्रांडेड जेनेरिक नहीं है पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तान में तो ब्रांडेड जेनेरिक है ना, यानी हर जेनेरिक का भी ब्रांड है नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं आप है? यहाँ पे तो मतलब ये है कि एक जेनेरिक 8 10 उसकी कंपनियाँ हैं जी और वो हर कंपनी के अपना प्रेफर्ड जेनेरिक होता है, ओके जैसे फार्मासेव है हमारा तो हम वहाँ में कहते हैं कि ये सेमी ब्रांड, क्योंकि हमें उसमें ज़्यादा फायदा, फार्मेसी को ओके ज़्यादा फायदा होता है, सही सही अदरवाइज अगर एक प्रिस्क्रिप्शन आती है तो जी हम उसको, अब देखें अरिप्रेजोल एपो है 5 मिलीग्राम, आरओ की भी पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है PMS एक कंपनी है उसकी भी पड़ी हुई है, ओके तो हम कोई भी दे सकते हैं, ओके कोई भी उसको दे सकते हैं, मतलब सही, ये हमें पेशेंट से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, राइट, तो वो कहते हैं कि आप, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आती है बेशक डॉक्टर ने ब्रांड नाम ही लिखा हुआ हो, हाँ आप उसको सब्स्टिट्यूट करके तो वो जेनेरिक दे, ओके राइट अनलेस के कोई अगर कोई सही, रिएक्शन हो गया किसी ब्रांड से या किसी हाँ स्पेसिफिक ब्रांड से जी तो उसको हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, अदरवाइज हम कोई भी जेनेरिक, और मज़े की बात यह है कि मेडिकेशन की ना जी अगर आप देखें तो जैसे ये 2 कंपनियां हैं ठीक जी ठीक है, है, तो इनकी मेडिकेशन की कलर कलर ये अगर नज़र आ रहा है अगर, तो जी बिल्कुल, ये ब्लू कलर ये एक कंपनी है और ओके ये दूसरी कंपनी है, तो सही सही, इन दोनों की एक और भी आपको मैं देता हूँ बल्कि ओके 2 मिलीग्राम की जो है, तो इन दोनों का कलर वगैरह में कोई इतना फ़र्क नहीं होता इनकी, सॉरी लुक क्लोज है, तो इनकी ओके कलर शेप
एक जैसा ही होता है, जी सही। तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, इस वजह से पेशेंट को भी नहीं होता कि हाँ वो हाँ डिफरेंट कलर आ गया है, डिफरेंट शेप आ गई है। सही है तो सर, सही। मैन्युफैक्चरर भी है जो इस बात का वो होता है कि अगर जेनेरिक बनाएं हाँ लेकिन उसको जी वही कलर दें, वही शेप दें, ताकि पेशेंट कंफ्यूज ना हो। बिल्कुल सही सर। और सर की जरा जो ओटीसी का एरिया है, जी, इसमें चॉइस है इसमें पेशेंट ये का? जी सेल्फ सिलेक्शन एरिया, तो जी ठीक है, इसमें सेक्शन बने होते हैं। तो ओके अब जैसे एक सेक्शन है यहाँ पे, मतलब उसमें एलर्जी एलर्जी की मेडिकेशन हैं, तो हाँ जी वो इकलौते हमने रखी हुई हैं, ओके एलर्जी और फिर स्टोमिक एड है, जी यहाँ सही। पे आप कॉफ एंड कोल्ड मेडिकेशन हैं और हेडेक और इस तरह बिल्कुल की सारी मेडिकेशन। तो ये सेल्फ सिलेक्शन एरिया में पड़ी होती है, कोई पेशेंट आ से यहाँ से ले सकता है। इसमें हमारी लाइबिलिटी कोई भी शामिल नहीं होती। अगर ओके, पेशेंट लेके जाता है उसको कोई प्रॉब्लम हो जाता है, वो फार्मासिस्ट को सू नहीं कर ब्लेम सकता, नहीं कर नहीं सकता। ओके नहीं ब्लेम तो नहीं कर अच्छा, सकते करना नहीं करते हैं या नहीं, मतलब ये है कि यहाँ सू करने का भी बहुत रिवाज है क्या, नहीं अदालत में जाने सू नहीं का? कर सकते। लेकिन बिहाइंड द काउंटर है अगर मेडिकेशन, तो हाँ जी वो अगर हम देते हैं तो उसमें लाइबिलिटी होती है। और ओके कॉलेज के रिक्वायरमेंट है कि हमें सही। 4 मिलियन डॉलर्स की लाइबिलिटी हमारे पास होगी, फिर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्पेशली ओके इंजेक्शन के लिए इतनी जी सही बात है लाइबिलिटी होगी। तो उसको वो रिक्वायरमेंट है कि जी। 2 मिलियन पर जो इंसिडेंट है, और फिर 4 मिलियन टोटल अगर हाँ आपका होता है, तो वो लाइबिलिटी हमें लाजमी लेनी पड़ती है। तो बिल्कुल सही। ये सेल्फ सिलेक्शन एरिया, इसमें ऐसे लोग लेके जाते हैं, रिटर्न हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है, लेकिन तो अगर प्रॉब्लम हो तो वो अच्छा, मतलब मैंने सुना था कि जो ओटीसी प्रोडक्ट्स हैं, जी जी पाकिस्तानी कंपनी का हम नाम नहीं लेते किसी का, तो जी मैंने सुना है कि कुछ विटामिन्स और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स जो है पाकिस्तानी कंपनीज की भी अवेलेबल है। जी जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल। सही आप यहाँ पे हमारे शायद हमारे पास ही पड़ी हुई हैं ऐसे, जैसे वाइटामिन है, जी होता ये सही है कि जो चैन है ना, जैसे फार्मासेव है, हाँ जी मल्टी वाइटामिन्स बहुत सारी कंपनियों के हैं। जी ठीक है तो जैसे फार्मासेव है, देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जैसे B12, वाइटामिन डी, हाँ जी वाइटामिन सी, ये ज़्यादा चलने वाली हैं, ये अपना ब्रांड बना लेते हैं, ओके जी यानी फार्मासेव का ब्रांड है। सही तो उसमें फार्मासेव का भी फ़ायदा है और ओके हमें भी उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा मिल जाता है। बिल्कुल सही तो पाकिस्तान की हमारे पास है, अगर जी आप सही मुनासिब फोकस करना चाहें तो जी बिल्कुल उसको, बिल्कुल कंपनी है हमारी, जी हम सही इनको प्रमोट करते हैं। इस वजह इसकी वजह यह है कि इनका जो क्लेम होता है कि ये जी जी हलाल है, कोशर ओके कोशर है, सही वेगन है, तो ये सारी चीज़ों का ये इनके पास मोस्ट लाइकली सर्टिफिकेशन होगी, लेकिन जी सही हम इन्हें पे एतबार करते हैं। और हम चाहे वो कैप्सूल हो, टैबलेट हो, कैप्सूल ना के जेलेटिन नहीं होती हैं, लेकिन हाँ सी फूड के भी जेलेटिन कैप्सूल आते हैं, ओके तो वो हम जो है ना, ये इनको, ये एक कंपनी है, इसके अलावा भी कंपनीज हैं जो कर करते हैं, रही है करती पाकिस्तान में हैं, जो जो है पाकिस्तानी कंपनीज हैं जो कर रही ओके। हैं। अच्छा, इंडियन कंपनियां जो है कनाडा में भी उनका क्या इन्फ्लुएंस ज्यादा है? कनेडियन कंपनी की जेनेरिक आती है बहुत इंडियंस सारी, जो है तो इंडियंस क्या है? मतलब जो कनेडियन कंपनी हैं जो ओके जेनेरिक हैं जिनका, वो बेसिकली उनके मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया में क्या हो रही है, इंडिया में हो रही इंडिया है? में हो रही है ओके बहुत सारी। अब एपो का प्लांट है वहाँ पे इंडिया में किसी जगह, जी वहाँ से मेडिकेशन आती है। और अब पिछले दिनों उनका कोई मसला भी बना था किसी एक जी प्रोडक्ट का, सही तो फिर पूरा पूरा जी तो वो जो है, अब जैसे एपो है, बहुत सारी कंपनी हैं, हाँ जी आरओ है, आरओ बिंडो, हाँ जी हाँ तो आरओ बिंडो के प्रोडक्ट्स मोस्टली जी इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, फिर ठीक है कुछ के ये हैं कि वहीं से पैक होके आते हैं, कुछ यहाँ पे आके रिपैकिंग करते हैं, लेकिन मोस्टली पैकिंग करके वहीं से आते हैं। और लेकिन वो FDA अप्रूव्ड प्लांट्स हैं उनके, प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स और सारे बिल्कुल प्रोडक्ट्स हैं, सही तो वो लेकिन उनकी क्वालिटी जहाँ पे जो उनका हाँ क्राइटेरिया है जी वो उसको फॉलो करते हैं, तो ओके सही उसमें कभी कोई हुआ नहीं, कोई प्रॉब्लम आया नहीं, कोई अगर कोई आते हैं एलर्जी वगैरह कहीं आती हैं, जी बाकी सही क्वालिटी का प्रॉब्लम कभी नहीं आया, क्योंकि ओके वो बंदा कहे कि ये क्वालिटी इसकी है। अब बिल्कुल असल में तो ऊपर लिखा हुआ भी नहीं होता कि इंडिया की बनी हुई है, सही है ऊपर सर लिखा हुआ नहीं आता उसमें, लेबल पे वही मैन्युफैक्चरर का, यहीं की कंपनी का नाम होता है। तो अब बहुत से कंपनियों के लिए वो है जो यहाँ पे, स्पेशली हर्बल प्रोडक्ट्स की तो बहुत बड़ी मार्केट यहाँ पे जो है, जो तो लोग कर सकते हैं स्कोप उसको, है ओ हमारे या लिए हो बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो मैं अब आपको दिखा के एक कंपनी है जो कर रही है और बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है बहुत ये। अच्छा तो बाकी जो है ज़्यादातर यहाँ के जेनेरिक हैं वो ये की कंपनी बनाती हैं। तो जेनेरिक में से जैसे वाइटामिन है, जी बेसिकली सही वाइटामिन भी एक कैटेगरी जो है वो उसको हर्बल में ही काउंट करते हैं ये, ओके
उनके लिए लाजमी नहीं है कि दूसरी मेडिकेशन की तरह उसकी रजिस्ट्रेशन हो, तो वो एक अच्छी ऑप्शन है, उसमें लोग कर सकते हैं। और उसके अलावा बाकी जैसे प्रोडक्ट हैं, मोरिंगा है जैसे, अब अजवा खजूर का देखें उन्होंने वो किया हुआ है, पाउडर बनाया हुआ है। ये मेरा ख्याल में अच्छा और लगा। इसके अलावा हमारी बहुत बड़ी जो होम हेल्थ केयर की मार्केट है, आप सामने देखें उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोटी छोटी हैं, और सॉक्स जो हैं जैसे डायबेटिक सॉक्स हैं, डायबेटिक सॉक्स महंगी हैं यहाँ पे तो, लेकिन वो ज़्यादा बांग्लादेश से और ऐसी जगह से लोग इम्पोर्ट करके तो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये चीज़ें होम हेल्थ केयर की, और जैसे ये बैंडेजेस वगैरह हैं, इनकी तो इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हैं भी नहीं, जी सर, तो ये हो सकती है कि रजिस्ट्रेशन और ये यहाँ पे चल सकती है। तो चलिए सर, लास्ट सवाल जो कि हर फार्मासिस्ट जानना चाहता है कि वो कनाडा में कैसे है। कनाडा में आने के बहुत सारे तरीके हैं जी, जी पॉइंट सिस्टम है उस पर आ सकते हैं, जी सही, एक्सप्रेस एंट्री से यानी आ जाए। एक्सप्रेस एंट्री से आ सकते हैं, बिल्कुल उसको जो तरीका अभी रखा हुआ है बिल्कुल सही है सर, वो है। बाकी आजकल फार्मेसियों की ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन कनाडा में खासकर बीसी में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पूरे कनाडा में ही है, लोग जो रिटायर हो रहे हैं, बिजनेस सक्सेशन प्रोग्राम है, ऑलरेडी फार्मेसी है उसको बंदा आके वो कर सकता है, बाई कर सकता है, और गवर्नमेंट उसको करती है, सपोर्ट करती है, कोई भी ओके बिजनेस हो लेकिन स्पेशली फार्मेसी का तो। सही, और बाकी जो है हम वो कर सकते हैं, जैसे LMIA जी सही, के थ्रू आ सकते हैं, बिल्कुल वो थोड़ा आजकल तो लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है, वो करते हैं LMIA जी, इशू करा के वो जो वर्क परमिट एक्चुअली जी सही इसके लिए बेसिकली है, था। तो वो फिर उसके पैसे मांगते हैं। लेकिन ये है कि अगर कोई बंदा आना चाहता है, और लेट्स से अगर मैं अपनी वर्क की, अभी हम बहुत सारे यहाँ पे बहुत शॉर्टेज है जी फार्मासिस्ट की, सर, फार्मेसी असिस्टेंट और फार्मेसी टेक्नीशियन की, तीनों टेक्नीशियंस की, कैटेगरीज की शॉर्टेज है। और अगर लेट्स से हम किसी फार्मासिस्ट फार्मेसी असिस्टेंट को हम जॉब लेटर या LMIA इशू करा के देते हैं तो वो हाथ है, अगर कोई हमारे साथ कमिटमेंट करता है कि ठीक है मैं 3 साल 5 साल आपके साथ जॉब करूँगा, जी मतलब जॉब होगी वो बिल्कुल फ्री नहीं होगा, बिल्कुल और क्योंकि यहाँ पे हम एक बंदे को अभी पिछले हमारे 2 महीने में हमारी कितनी 3 लड़कियाँ छोड़ गई हैं, तो उनके ऊपर हमने इन्वेस्ट किया है, टाइम इन्वेस्ट किया है, वो गलतियाँ करती हैं फिर हम उनको ठीक करते हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो एक बंदा जो ट्रेंड कर लें और 5 साल आपको पता हो कि आपके साथ रहेगा, तो आपने तो यहाँ के बच्चों को देना है या कहीं पैसे देना, आपने तो बिल्कुल सैलरी देनी है, और सही मिनिमम तो देनी देनी है ना जी, जैसे बिल्कुल मिनिमम जब जैसे BC की है वो 1565 मिनिमम है, आप उससे जी, कम किसी को ऑफर नहीं कर सकते। दे तो नहीं कर सकते, ये है एक कि उस तरह काम के लिए कमिटमेंट हो तो सही कर सकता है बंदा, स्पॉन्सर कर सकता है जी मुख्तलिफ सही, फार्मेसी, और एक से ज़्यादा बंदों को कर सकता है बंदा, बिल्कुल कोई सर, मसला नहीं है उसका। चलिए सर, तो ये थैंक यू वेलकम सो मच अली भाई, बहुत नो अच्छा प्रॉब्लम। लगा।